बच्चों आप सबको सामने टेबल पर क्या दिख रहा है? हम सब कहाँ पर रहते हैं? सबका घर है ना? और सबको अपना घर अच्छा भी लगता है। तो आज की जो हमारी कहानी है वो कुछ इसी प्रकार से, इसी टाइटल से संबंधित है, जो कि आपकी क्लास में आपका ही एक साथी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। तो आप सभी इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और कहानी का रिवीजन हम करेंगे, कहानी में आए कुछ तथ्यों से, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से। तो आप सभी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में हम कुछ प्रश्न आपसे साझा करेंगे, तो उनके जवाब भी आपको देने हैं। और जवाब आप तभी दे सकते हो जब आप किसी भी चीज़ को ध्यान से सुने। तो आप तैयार हैं? अपने कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स में से कौन से ऑर्गन्स का यूज करेंगे आप कहानी को सुनने में? करेंगे ना? तो चलिए आज देखते हैं आपकी क्लास का ये छात्र जिसका नाम है विवेक, आपके सामने क्या कहानी लेके आया है। कहानी शो करो जरा अपनी। क्या है कहानी का नाम? और आप सबके सामने भी क्या है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि घर वाली जो कहानी है उसमें क्या है। चलिए सुनेंगे ध्यान से आप सभी। अरे मेरा घर तो टूट गया, अब नया घर ढूंढता हूँ। किसका घर टूटा? ये देखो, विवेक ने कहानी को पढ़ा है, कहानी में चित्रण भी हुआ है, चित्रण हुआ है। ये देखिए, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कौन है यहाँ पे? अरे मेरा घर तो टूट गया, कौन कह रहा है ये? नहीं, हाथी नहीं कह रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है? अभी पूछेंगे हम क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है आप लोगों को कहानी को, सभी बच्चों को। अब नया घर ढूंढता हूँ, अरे वाह चूहे का बिल। किसके घर में आने की कोशिश कर रहा है वो? यह बिल मेरे लिए छोटा है, वह मकड़ी का जाला। अब उसने दूसरा घर किसका देखा? अरे मेरे कांटे जाल में उलझेंगे। आपने देखा इसके जो ये पीछे देखो कितने बड़े बड़े ब्राउन ब्राउन से जो दिख रहे हैं, ये क्या है? कांटे हैं। और ये कह रहा है अगर मैं मकड़ी के जाले में गया तो जो मेरे कांटे हैं वो क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे, मकड़ी के जाले में उलझ जाएंगे। इतना सुंदर घोंसला, घोंसला कौन बनाता है? चिड़िया। पर यह तो ऊंचा है। और चिड़िया कहाँ पर बनाती है घोंसला? और जो ये जानवर है ये तो चलने वाला है ना? चिड़िया तो उड़कर ऊंचे पेड़ पे बैठ जाती है, लेकिन ये आप पहले तो सोच रहा है कि मैं चिड़िया के घोंसले को अपना घर बना लूं, लेकिन फिर इसने देखा कि ये देखो कितनी ऊंचाई पर है ये, तो ये सोच रहा है इतनी ऊंचाई पर मैं कैसे जाऊंगा? ओह दीमक का बांबी। दीमक, दीमक जानते हैं आप क्या होता है? दीमक एक ऐसे प्रकार का कीड़ा होता है जो लकड़ी में लग जाता है और लकड़ी को खोखला कर देता है। घर बना हुआ है लकड़ी में, जो धीरे धीरे कीड़ा इस लकड़ी को क्या कर रहा है? खोखला कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसने दीमक की बॉबी को देखा और कहा क्या मैं इसको अपना घर बना लूं? अब देखिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, जानने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें घुस नहीं पाऊंगा। हाँ जी, क्योंकि जो दीमक का कीड़ा होता है बहुत छोटा सा होता है, जैसे चावल होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है, और ये तो बहुत बड़ा है, तो ये इसके अंदर कैसे घुस पाएगा? अरे वाह एक छत्ता। छत्ता कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ, तो क्या छत्ते में कोई भी जाकर रह सकता है? नो।
बाप रे भागो यहाँ से। अब देखो उसने क्या किया, छत्ते में जाने की कोशिश करी, उसके पास जाकर जब उसने छेड़ा तो क्या हुआ, सारी मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर आ गई। और जब मधुमक्खियाँ काटती है तो कैसा दर्द होता है, बहुत ज्यादा। तो अब वो क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है भागो, इन मधुमक्खियों से मुझे बचना है। पानी में भी इतना, इनके घर कैसे होंगे। अब उसने धरती पर रहने वाले सभी पशु पक्षी जानवरों के घर देख लिए, लेकिन उसको कोई भी घर ऐसा नहीं लगा जिसमें वो आराम से रह सके। तो अब वो आता है पानी की तरफ और वो अब पानी में सोच रहा है कि जो भी ये जीव जंतु पानी में रहते हैं वो पानी में कैसे रहते होंगे। तो सबसे पहले वो तालाब किनारे बैठा हुआ है और ये देखिए मेंढक को देख रहा है, मेंढक भी उसको देख रहा है और ये मन में विचार कर रहा है कि पानी में सब कैसे रहते होंगे। पर मैं तो डूब जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं वही पानी में रह सकते हैं। अगर धरती पे रहने वाला कोई पशु पानी के अंदर जाएगा, उसको तैरना नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पानी में हम कब सुरक्षित रह सकते हैं, जब हम तैरना जानते हैं। अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तो हम पानी में डूब जाएंगे। मैं भी नया घर बनाऊं। अब वो क्या विचार कर रहा है कि मुझे सबका घर मैंने देख लिया लेकिन मुझे किसी का घर अच्छा नहीं लगा। तो अब वो विचार कर रहा है कि क्या मैं अपने लिए एक नया घर बनाऊं। अपने लिए नया घर बनाना आसान बात है, मेरा नया घर कितना प्यारा है। लेकिन जब हमें किसी का घर अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा घर टूट गया है तो हम क्या करेंगे, हम फिर नया घर ही बनाएंगे ना। Yes, क्योंकि घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सुख शांति से अपनी नींद ले सकते हैं, अपना खान पान खाते हैं, दिन में हम आराम कर सकते हैं, है ना घर। Yes, हमारा घर सबसे प्यारा घर। सबको अपना घर अच्छा लगता है ना। जब उसको किसी का घर अच्छा नहीं लगा तो उसने अंत में क्या किया, अपना घर बनाया। और अपना घर बनाकर देखो वो कितने प्यार से कितने आराम से सो गया है। तो सबका घर होना चाहिए ना। Yes, सबका घर अच्छा होता है। Yes, वो आप लोगों को कह रहा है कि आना मेरे घर और जरूर देखने आना मेरे घर को। आप सबको मैं बुला रहा हूँ, मेरे घर आना और मेरे घर को आप देख कर जाना। और मैं ये भी दुआ कर रहा हूँ कि किसी का भी घर ना टूटे, क्योंकि घर सबको प्यारा होता है और हम सबका एक ही घर होता है और वो हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है।